कुछ हो हवा गए हो कांगडब्लू को? अरे अम्मा सबसे बोलो। अरे इतने मातम ही ऐसा मचा रखा है। मातम हम इस बात का मना रहे तुमने दूसरी लड़की देखनी शुरू कर दी है। हाँ ओहो लड़का तो अच्छा था गुड्डी के लाने। हाँ ठीक है ना अब किसी का हाथ पकड़ के थोड़ी रख सकते हैं। अब उनको जल्दी है तो ठीक समझे वैसे कर लेंगे। गुड्डी के लाने ना और भी बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे आप परेशान मत हो। चराग लेकर भी ढूंढो की ना पैसा लड़का नहीं मिलेगा बता रहे। हाँ अरे बाहर मिल जाए वो पपलू। अम्मा पपलू नहीं डबलू। हाँ हाँ जो भी है। अरे जल्दी का काम शैतान का काम होता है। अगर उसे इतनी जल्दी घोड़ी चढ़वेगी तो हमारी दुलत्ती से। अम्मा अभी लड़की फाइनली हुई है हम हार नहीं मानेंगे। अरे जब तक सांस है तब तक घास है हम ना डब्लू की मम्मी से बात करेंगे। एक बात बताएं गोमती हो तो तुम भी बड़ी बेचैन आत्मा। अरे मौड़ी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है और तुम उसके पैर में ये पबलू नाम का अलंगा डालवा रही हो। अम्मा बबलू नहीं डब्लू। अरे हाँ जो भी है अगर उससे ब्याह गई ना गुड्डन कतई कोलू का बैल बन के रह जाएगी। अरे ऑफिस का काम काज छोड़ के झाड़ू पोछा करने लगेगी हमारी गुड्डी। राधिका झाड़ू पोछा एंड रोज का कचरा डिस्पोज करना क्यों जाओ। ठीक है बट कपड़े सब अपने अपने धोएंगे। यस सो वी आर गुड। नो तेरे बोलने का ही वेट कर रही थी। हाँ तो अगर कुछ गलत हो रहा हो ना तो किसी को बोलना पड़ता है। झाड़ू पोछा कचरा रखना हम संभाले और तुम सिर्फ बोतलों में पानी भरोगी बस। टेस्टिंग के लिए वैसे भी कुछ खास है नहीं। ओ हेलो हमारे यहाँ लोग सांस भी लेते हैं ना तो ऑक्सीजन कम दस्त ज्यादा अंदर जाती है। शी ओके विद कुकिंग? यप। एंड प्री तुझे कोई प्रॉब्लम है? नो। तो माय डियर राधिका गिवन दैट ये सारी प्रॉब्लम तेरी वजह से हुई है एंड किसी को अपने काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे भी अपने काम से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लेकिन अगर है तो दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम योर्स ट्रूली। हेलो एक मिनट एक मिनट तुझे प्रॉब्लम है अपने काम से जा हिमा को वापस लेके आ प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं कर पाएगी ना तो इसीलिए तो बोल रही हूँ चुपचाप ये जो बोल रही है सुन सिंपल। Let's get going, girls. हाँ पर प्लीज हाँ अभी कोई चिल्लाएगा विलाएगा नहीं वरना मिसेस तालुकर वापस से आके नाक में दम कर देगी। और वैसे भी शोर शराबे नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। प्री क्या हुआ? हर उस दिन भी हम लड़ रहे थे तो तू रोने लग गई थी दरवाजा बंद करके बैठ गई थी और आज भी यूं सेट के चिल्लाते नहीं है। प्रीति हमारी लड़ाई से तो तू इतनी डिस्टर्ब नहीं हो रही होगी ना? क्या बात है बता मुझे एंजाइटी हो रही है स्ट्रेस हो रहा है टेल मी ना। वी प्लीज मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। पर क्यों प्रीति मेरी बात तो सुन। मैडनेस जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। इश यार हेमा भाग गई है यार। हेलो हेलो राधिका प्रियल। हेलो मैम सॉरी हेलो प्रियल हाय। राधिका फूड आपा ऐप का जो प्रेजेंटेशन था मैं कुछ ईमेल आईडीज तुम्हें भेज रही हूँ जस्ट फॉरवर्ड इट टू देम। हाँ आप जरा मुझे ईमेल एड्रेस बता देंगे हम अभी अभी लिख लेते हैं। आई डोंट हैव टाइम टू रीइन्वेंट द व्हील मैंने भेज दिया है जस्ट गेट इट डन एएसएपी। ओके ओके मैम प्रियल सॉरी बाय। पेशे खिदमत है ह्यूमन रेस की सबसे बड़ी जरूरत खाना। बार बार गरम नहीं करूंगी जिस काम में नीट। उप्स सॉरी बाकी लिविंग बींग्स भी होते हैं उनको भी फीड करना जरूरी है ना। किसी को खाना खिलाना और घर गंदा करना दो अलग चीज है। ये चिल ये जो चार तिनके गिरे उसको मैं उठा लूंगी। हेलो
मुझे तो आते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी ने डकारनी नहीं ना तो कहते हैं कि सत्कार अच्छे से नहीं हुआ। अरे यार, तीन बोतल पानी भरी थी मैंने, कोई ऊट पी गया क्या पानी? राधिका, तूने सारा पानी पी लिया क्या? तीन बोतल पानी जो तुमने चार लोगों के लिए भरी थी? नहीं, हमने तो एक ही बोतल पी। थक गए थे ना, प्यास लग रही थी झाड़ू पोछा करके। वैसे तुम्हें तो सिर्फ पानी भरना है ना, फिर से भर देना, कोई बात नहीं। Oh my God. Are you girls for real? Grow up. वैसे शुरुआत तो वी ने की थी, जैसे को तैसा कभी ना कभी तो मिलता ही है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है रीना? हम खुद। रीना, हम सबके सामने खुल के बोल क्यों नहीं पाते यार? हम क्यों इंग्लिश में अपनी बात बाकी लोगों की तरह ऐसे खुल के बोल नहीं पाते यार? रीना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो टिक नहीं पाएंगे ज्यादा दिन हम यहां पर। याद आ गई हमारी, मिल गई फुर्सत। माफ कर दे बहन, अभी फोन देखा तो तेरा वॉइस मैसेज मिला। पूरे दिन से घर पे नहीं थे हम, तू वो सब छोड़। तू ये बता, तू ठीक है ना राधिका? ऑफिस में सब? यार घर में इतना कलेश हो गया ना, ऑफिस के टेंशन के बारे में भूल ही गए हम सच में। क्या हुआ, घर पे वो उलझलों ने कुछ कहा क्या? श्रीमोई, तू कह रही थी ना कि वो बोल रही है कि जब से तू घर पे आई है तब से सब उलझलूल हो रहा है। तो मैंने भी उसका नाम रख दिया उलझलूल। अब क्या किया उसने? यार वो अकेली थोड़ी ना है, वैशाली भी तो है, कुछ कम थोड़ी ना है वो। उसका कोडवर्ड रख दिया है हमने ऊंची नाक। अब क्या बोली वो? कुछ नहीं, बस हर बात से दिक्कत है उसे, हमेशा कंप्लेन करती रहती है, ये मत करो वो मत करो। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा ना गलत, जो भी दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है सब हमारी वजह से हो रहा है। बोल ऐसा ही है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। कसम से बहुत याद आ रही है यार तेरी। वो तो आनी थी, हम तो है ही कुदरत का नया भीरा। बहुत ज्यादा चिरहन मचा रही है क्या ये चिलगोजियां? एक सेकेंड और कर, शांति से बात भी नहीं कर सकते यहाँ पे, प्राइवेसी ही नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ से होगी, हॉल में डली हुई है तू। यार युद्ध स्तर की लड़ाई की है आज तो, इतने चिड़चिड़ टाइप के लोग कैसे हो सकते हैं यार? इग्नोर मार। हाँ यार, कोशिश तो वही कर रहा है पर हमें तेरी, झांसी की, घर वालों की, सबकी बहुत याद आ रही है कसम से। मतलब पहले कभी घर में झगड़ा हो जाता था तो हमें लगता था, हमें इतनी परेशानी नहीं होती थी, हमें लगता था कि सब बाद में एक साथ बैठ के खाने ही वाले हैं तो। पर यहाँ तो देख राधिका, वो घर थोड़ी है, रेंट पे रहने के लिए जगह ली है बस, और वो लड़कियाँ रूममेट्स है बस, फैमिली थोड़ी है। ठीक है, अच्छा सुनना, अब हम ये सब बातें मम्मी को बताते नहीं है, वो भी कुछ कम नहीं है, बचा बचा के बोलती है वहाँ की बातें हमें। तो एक काम करना, कल जाके एक बार झांक लेना घर में क्या चल रहा है, मम्मी कैसी है, बाकी सब कैसे हैं, हमारी यहाँ जो हालत है वहाँ उन्हें भी तो झेलना पड़ रहा होगा सब कुछ। हाँ हाँ, हम चले जाएंगे, तू टेंशन मत ले, बस अपना ध्यान रख। यहाँ की कांड कथा के बारे में मम्मी को बिल्कुल मत बताना, परेशान हो जाएंगे वो। हाँ हाँ, हम नहीं बताएंगे, तू अपने काम पे ध्यान दे बस, प्रोबेशन पीरियड है ना, जॉब कन्फर्म करवानी है, बस तू उस पर ध्यान दे बस। चल रखते हैं। झांसी, झांसी, ए झांसी, अपने कुत्ते को बोलेगी सुबह सुबह भौंकना बंद करे। इतना तो मुर्गा भी कुकड़ू कू नहीं करता जितना इसका फोन भौं भौं करता है यार। मम्मी होगी, मम्मी क्या हुआ इतने सुबह सुबह फोन किया आपने, सब ठीक है? राधिका, इट्स मी प्रियल। मैम सॉरी, वो
I mean, Priyal, sorry, वो हमें all okay? Of course not. वरना सुबह 5:30 बजे में तुम्हें फोन नहीं करती. मैं 7:30 बजे तक ऑफिस पहुंच रही हूँ. तो मेरे पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाना. हेलो मैम, क्या हुआ, हमने क्या किया? ऑटो चलेंगे? आज स्ट्राइक है मैडम, आज कोई किधर नहीं जाएगा. स्ट्राइक? हमारा थोड़ी स्ट्राइक है, हमें तो जाना है ना. किधर जाने का है? स्टेशन जाना है, पास में ही है बस. ले चलिए ना प्लीज. बस पर 300 रुपए लागेल. 300? स्टेशन तक 50 रुपए लगता है दादा. 300? बराबर है मैडम, तुमचा डेली का 50 रुपए ही लगता है. आज स्ट्राइक है तो रिक्स है ना आपको लेके जाने का. चलो 250 रुपए देना. तथा 100 में ले चलिए ना प्लीज हमें. अरे मैडम हमारे स्ट्राइक को इतना हल्की में मत लेना, 100 का भाव लगा रही है आप. नहीं नहीं वैसे नहीं कह रहे, पर मतलब भाव तो आपने भी लगाया ना 250 का. 100 ही है हमारे पास, प्लीज ले चलिए ना, लेट हो रहा है हमें. दादा स्टेशन. हाँ चलो, लेकिन 300 रुपए लगेगा. आज स्ट्राइक है मालूम है, 300 लोग हैं. चलो चलो बाजू उठा. हाँ हमने उठा उठा हमने पहले कहा दादा प्लीज हमें. अच्छा कोई और ऑटो तुम ऑटो ऑटो भैया भैया स्टेशन और ऑटो. राधिका राइट, तुम ठीक हो? नहीं हमें ना स्टेशन पहुंचना है टाइम पे, और क्या ये स्ट्राइक चल रही है, ऑटो ही नहीं मिल रहा है हमें. जॉब में कोई तो इमरजेंसी है और हमें पहुंचना है. ऑटो ऑटो प्रोबेशन पे है हम और यहाँ सड़क पे घूम रहे हैं. अगर टाइम पे पहुंचेंगे नहीं ना सच में सड़क पे आ जाएंगे हम. ओके ओके रिलैक्स, सांस नहीं लोगी तो कहीं और पहुंच जाओगी. अब ऑटो स्टेशन जाना है ना, कम आई ड्रॉप यू. आओ सीट गंदी है क्या भाई यार, कांडी को साफ तो है. ओके माय बैड सॉरी. हाय मेरा नाम अभिषेक है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, कोई स्टॉकर नहीं हूँ. कभी ऐसा सुना है कि स्टॉकर की मम्मी ने बिल्डिंग में रहने वाली लड़की को गाजर का हलवा खिलाया? अब स्टेशन जाना है या इस सड़क पे यही करना है? चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी, आई ट्राई टू हेल्प. मार नहीं रहे थे बस वो रोकने की कोशिश कर रहे थे हम. अच्छा चलते हैं. ऑटो स्लो 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 थोड़ा थोड़ा स्लो चलाना ना प्लीज. अरे हमें क्या देख रहे हो, आगे देखो आगे, ध्यान दो रास्ते पे ध्यान दो. कटा कटा कटा. अरे यार कहाँ था ना ध्यान दो. या माय बैड, रास्ते खराब है यहाँ पे पूरे. हाँ रास्ता खराब, लोग खराब, बहुत गुस्सा आता है ना. हाँ हमें कह रहे हो क्या कुछ? नहीं नहीं वो मैं स्टॉकर नहीं हूँ ना, तो ऐसे ही बड़बड़ाने की आदत है मुझे, वो कह रहा था. अरे
पेट्रोल के पैसे बाद में दे देंगे तुम्हें। ओह वाओ, ये ऑप्शन था। तो वो जो फ्लावर पॉट फेंक के मेरा सर तोड़ने वाली थी ना, उसके लिए मैं ट्रॉमा थेरेपी ले रहा हूँ, वो पैसे भी दे दो। अरे चिल यार, मजाक था, गंदा ही से लेकिन मजाक था, जाओ। अरे हेलमेट। अरे राधिका, हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ही क्यों होती है? अब चलो, सब तुम्हारा वेट कर, चलो। गो। मिस नायर, राधिका, राधिका आर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर प्रमोद नायर। गुड मॉर्निंग सर, I'm sorry. क्या हुआ है? प्रोविजन पे होना तुम? ACS 360 के अलावा और कहाँ अप्लाई किया? Let me guess. SCS Solutions? नहीं। कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, SCS Solutions के आशीष भाटिया के टच में हो? नहीं सर, आशीष कौन, पता भी नहीं हमें। क्या हुआ है? हुआ ये है कि कल मैंने तुम्हें कहा था प्रेजेंटेशन मेल करने के लिए। हाँ, वो कर दिया हमने मेल। हमारे कंपेटिटर कंपनी SCS सॉल्यूशन के आशीष भाटिया को। नहीं मैम, ऐसे कैसे करेंगे हम, हमने हमने Say that again. मैंने तुम्हें मैसेज किया था ashish@acs.com, तुमने मार्क किया है ashish@scs.com पे। प्लीज एक्सप्लेन। सॉरी, बाकी लिविंग बींग्स भी होते हैं, उनको भी फीड करना जरूरी है ना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।